आज हम लोग एक मिनट में समझने की कोशिश करते हैं द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में, जो हमें ज्ञानवापी के डिसीजन के बारे में भी समझाता है। जैसा कि हमें भारतीय इतिहास को पढ़ने पर पता चलता है कि हमारे देश में कई सारे बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण किया गया और मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया, और इसका उल्टा भी हमारे देश के कई राजाओं ने किया। बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा जो मस्जिद बनाई गई थी उन्हें वापस से मंदिर में तब्दील किया गया था। इस वजह से हमारे देश को जब आज़ादी मिली उस समय पर काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़े होने लगे थे, आखिर इसे मस्जिद माना जाए या मंदिर माना जाए। इसलिए हमारे देश में 1991 में एक कानून लाया जाता है, या ये कह लीजिए हमारे देश में 1991 में एक एक्ट लाया जाता है जिसे हम लोग द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट में कहा गया है यदि 15 अगस्त 1947 को कोई मंदिर मस्जिद की तरह प्रयोग किया जा रहा था या इसके उलट कोई मस्जिद मंदिर की तरह प्रयोग की जा रही थी तो उसे 15 अगस्त 1947 के रूप में जो देखा जा रहा था उसी हिसाब से माना जाएगा, ना कि उसे वापस से मंदिर या मस्जिद बना दिया जाएगा, जिससे हमारे देश के काफ़ी मंदिर मस्जिद के विवाद सुलझते हुए दिख रहे थे। लेकिन ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद के विवाद में इसके विरुद्ध फैसला डिस्ट्रिक्ट बनारस कोर्ट ने दिया है, जो कि एक वाकई में काफ़ी ज़्यादा हटके फैसला है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।